मेरी एक बहन की फरमाइश थी, इसलिए ये वीडियो मैंने रेडी किया है। आज हम दो तरह की मिर्ची बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। मिर्ची को हम फ्रेश पानी से धोकर कट करेंगे और एक बाउल में निकालेंगे। 20 है उन्हें हम साइड करेंगे। एक पैन में हम 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने पर 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून राई ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काला जीरा ऐड करेंगे। यदि हींग पसंद है तो 2 पिंच हींग ऐड करें। मिर्ची ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून पिसी हुई सौंफ ऐड करेंगे। 2 टीस्पून पिसी हुई राई ऐड करेंगे। इस मिर्ची में हम सौंफ कम ऐड करेंगे और राई को हमें ज़्यादा ऐड करना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नॉर्मली हम मिर्ची ऐसे ही बनाते हैं, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। गैस को ऑन करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मिर्ची का जो फ्रेशनेस है, जो ताजगी है, वह ख़त्म हो जाती है। इसलिए मिर्ची को मिलाते ही हमें गैस को बंद कर देना है और मिर्ची रेडी। मिर्ची में मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा मसाले वाली और नींबू वाली मिर्ची बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। मिर्ची को हम फ्रेश पानी से धोकर कट करेंगे। वाटर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि मिर्ची का जो तीखापन है वह निकल जाए और मिर्ची का कलर भी अच्छा रहे। अब हम एक पैन में 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून राई ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काला जीरा ऐड करेंगे। गैस को बंद करेंगे और मिर्ची को हम छानकर रेडी करेंगे। अब हम मिर्ची का पानी पूरी अच्छे से निकाल कर इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। 4 टीस्पून पिसी हुई सौंफ ऐड करेंगे। 2 टीस्पून पिसी हुई राई ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची अच्छे से गर्म होने पर हम गैस को बंद कर देंगे। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिर्ची को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मिर्ची की जो फ्रेशनेस है वह ख़त्म हो जाती है।